बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके आ गए हैं DHA फेज़ 5 की बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे, जहाँ पे ब्रांड न्यू 5 मरला मॉडर्न डिज़ाइन पे कंस्ट्रक्ट की घर का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। व्यूवर्स, इसकी प्राइस डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, मंथली रेंटल वैल्यू और प्लॉट प्राइस इस वीडियो में इंक्लूड है। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट देखें। इसकी लोकेशन मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो 120 फीट वाइड रोड से डायरेक्ट अप्रोच और 60 फीट वाइड रोड पर ये घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। व्यूवर्स, इसकी प्लॉट की डायमेंशन की बात की जाए तो 25 फीट इसका फ्रंट है और 45 फीट इसकी लेंथ है। व्यूवर्स, मेन रोड से एंटर होते हैं तो कारपोर्ट एरिया देख सकते हैं, जहाँ पर एक सेडान शेप गाड़ी की पार्किंग है। कंप्लीट टाइल फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा साइड से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, राइट और बैक साइड पे आपको ओपन स्पेस मिल जाती है। व्यूवर्स, इसकी प्राइस की बात की जाए 3.5 करोड़ इसकी डिमांड है। मंथली रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो इजली 1 लाख की इसका पर मंथ रेंट आ सकता है। व्यूवर्स, मेन डोर की आप हाइट देख सकते हैं, फुल साइज इसकी हाइट रखी गई है और शीशम की लकड़ी का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको ग्लास का भी यूज़ मिलेगा। लॉबी में आप देख सकते हैं व्यूवर, जैसे मेन डोर से एंटर होते हैं तो रिसेप्शन एरिया, लॉबी एरिया आपको वेलकम करता है, जहाँ पे एक शैंडल लगाया गया है और लॉबी एरिया से ही आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर के एक्सेस के लिए स्टेयर्स दी गई हैं। ड्राइंग और डाइनिंग से पहले मैं आपको इसका किचन का विजिट करवा देता हूँ। जैसे ही हम किचन, ओपन स्पेस किचन दिया गया व्यूवर, जब एंटर होते हैं सामने आप इसकी कैबिनेट स्पेस देख सकते हैं, जहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन की इंस्टॉलेशन मिलेगी। एक साइड पर आपका लॉबी एरिया से एक्सेस दिया गया है। इसके अलावा एक आपको वॉशिंग एरिया देख सकते हैं और 3 स्ट्रोक बर्नर की इंस्टॉलेशन मिल जाती है। 2 डोर हायर का रेफ्रिजरेटर की इंस्टॉलेशन मिल जाती है। यह है व्यूवर्स, इसका LCD पॉइंट जहाँ पे आप इसकी स्पेस देख सकते हैं। कंसोल इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा सामने आपको वुडवर्क देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप इसके बैक साइड पे रोप लाइट जो कि हाईलाइट कर रही है व्यूवर्स। इसके लेफ्ट साइड पे ही आपको फीचर वॉल मिल जाती है, जहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। उसके अलावा वुडवर्क देखने मिलेगा। इसके साथ ही व्यूवर्स, ये है इसका ड्राइंग रूम स्पेस। आप इसको कम्प्लीट सीलिंग डिज़ाइन देख लें, जहाँ पर दरम्यान में शैंडलियर और लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट राइट साइड पर इसके इम्पोर्टेड और डिज़ाइनर फैंस लगाए गए हैं। सामने आपको वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए विंडोज़ मिल जाती हैं, जिसपे सेफ्टी ग्रिल्स का यूज़ किया गया है। और ये है व्यूवर्स, इसका ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसमें हम एंटर होते हैं तो आप इसका फ्लोर देख सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट टाइल का यूज़ किया गया है। ये इसकी बेड वॉल है और इसके साथ ही विंडो लगाई गई है। और ये है व्यूवर्स, इसका वॉशरूम और साथ इसके LCD पॉइंट दिया गया है। इसके व्यूवर्स, इस रूम में आपको ही वार्डरोब की इंस्टॉलेशन मिलेगी। इसका कम्प्लीट सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ, जहाँ पर रोप लाइट और इसके अलावा SMD लाइट्स का यूज़ किया गया है। वॉशरूम में व्यूवर्स एंटर होते हैं तो सामने आपको शावर कैबिन स्पेस मिल जाती है। इसके साथ ही आपको कमोड दिया गया है और कंप्लीट बॉटम टू टॉप तक इसमें टाइल वर्क देखने मिलेगा। ये है व्यूवर्स, इसका ब्लैक कलर में थीम सिंक दिया गया है और इसके अलावा ओवल शेप में आपको मिरर मिल जाता है। एक दफ़ा सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर एग्जॉस्ट इंस्टॉलेशन की गई है। व्यूवर्स, बेडरूम से बाहर आते हैं तो व्यूवर्स एक दफ़ा कंप्लीट आपको एक इसका व्यू दिखा देता हूँ, ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस का। ये आप इसे कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। व्यूवर्स, जब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ तो आप इसका स्टेयर्स देख सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और रेलिंग पे आपको कंप्लीट स्टील वर्क देखने मिलेगा। कंप्लीट एक दफ़ा आपको सीलिंग डिज़ाइन देख सकता हूँ, बड़ा खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, जहाँ पे दरमियान में शैंडलियर लगाया गया है और उसके लेफ़्ट साइड पे आपको अगेन फैन की इंस्टॉलेशन मिलती है। व्यूवर्स, ऊपर छोटा सा TV लाउंज फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको इसके साथ ही आपको किचन, ओपन स्पेस किचन मिल जाता है, जिसमें आप इसका वॉशिंग एरिया देख सकते हैं। कंप्लीट वाइट और ब्लैक कलर के थीम के साथ पूरे ही घर को डिज़ाइन किया गया है, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। व्यूवर्स, सामने आप इसकी एक वॉल को कम्प्लीट वॉल पेपर के साथ कवर किया गया है और राइट साइड पर आपका LCD पॉइंट आ जाता है। आपको एक दफ़ा इसका कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। एक साइड पे आपको ममटी के एक्सेस के लिए स्पेस दी गई है। ये है व्यूवर्स, इसका स्टोर रूम। आप इसकी स्पेस देख सकते हैं, जहाँ पे स्लैब्स लगाई गई हैं और इसके अलावा हैंगिंग क्लोज के लिए रोड आयरन का यूज़ किया गया है। व्यूवर्स, इसके ऑपोजिट ही आपको बेडरूम मिल जाता है, जहाँ पर एक साइड पर आप विंडो देख सकते हैं। इसकी स्पेस दिखा देता हूँ, काफ़ी स्पेशियस स्पेस है व्यूवर्स। ये आपकी बेड वॉल आ जाती है और कंप्लीट आपको सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ, जहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया और एक साइड पे आपका
मीडिया वॉल आ जाती है जहाँ पे एलसीडी पॉइंट दिया गया है। ये अभी वही इसका वॉशरूम जहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको वैनिटी सेटअप मिल जाता है, उसके साथ कमोड है व्यूवर्स। इसका ट्रायंगल शेप में आपको मिरर मिल जाता है और स्मार्ट मिरर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा कंप्लीट आपको एक सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये सामने है व्यूवर्स इसका शावर कैबिन सेटअप जहाँ पे इम्पोर्टेड सैनिटरी का यूज़ किया गया है। वार्डरोब्स की स्पेस आपको वॉशरूम से मिल जाती है। यहाँ से हम व्यूवर्स गेंद बाहर जाते हैं तो ये एक दफ़ा आप कंप्लीट इसका लिविंग एरिया का स्पेस देख सकते हैं। ये है व्यूवर्स इसका थर्ड बेडरूम, तीन बेडरूम्स की अकोमोडेशन दी गई है। ये है इसका थर्ड और लास्ट बेड जहाँ पे आप सीलिंग डिज़ाइन देख लें। इसके अलावा एक साइड पे बेड वॉल है, सामने विंडो दी गई है। व्यूवर्स जिस जगह पे ये घर बना हुआ है इसकी फ्लोर प्राइस की बात कर ली जाए तो 2.25 करोड़ इसकी ऑलमोस्ट प्राइस है। ये एक साइड पर इसका एलसीडी पॉइंट आ जाता है और ये है व्यूवर्स इसका मास्टर वॉशरूम जहाँ पे आप स्पेस को बड़ी खूबसूरती के साथ यूटिलाइज किया गया है। एक साइड पे आपका वार्डरोब स्पेस आ जाती है। ये व्यूवर्स इसका है शावर रूम और इसके सामने ही आपको वैनिटी सेटअप, एक दफ़ा आपको खोल के दिखा देता हूँ इसकी स्पेस। ये है इसका शावर स्पेस देख सकते हैं व्यूवर्स। ये है इसका वैनिटी सेटअप और इसके बिल्कुल बैक साइड पर ही आपको कमोड स्पेस मोड मिल जाता है। व्यूवर्स इस घर में आपको 3 फेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इसके अलावा वाटर सप्लाई कनेक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। अल्लाह हाफिज़।